हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। ईद मुबारकबाद जी आपको जी। वो अभी हमारे बहन बात कर रहे थे, मोहम्मद बोल के फोटो भेजे थे, पैसों के लिए बात कर रहे थे। कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद भेजे तो जी आओ जी आओ। हाँ, कोई पैसों के लिए कुछ कम करिए ना भाजी। 27,000 रुपए बोले, कितने बोले? 23 बोले। अखराक है, जींस है, पेट में दवा है, आप देखो उनकी हालत। क्या बोले भाजी? उनको अखराक है जी, समझे ना, उनकी पूरी कैफियत बोली ना। रात को दवा मेरे को समझा तो मालूम होता ना भाजी, में वक्त टेंशन में है, पैसे मैं देने वाला हूँ। और बराबर है, देखो मेरे को 1 रुपये भी नको तो पहचानती मैं बहन को, सामान जो लिख के देती लेके आप, मैं करके देती, मैं करने के कोई सर्विस नहीं करती हूँ, समझे ना, सारा करने के, पढ़ के देने के, करने के कुछ भी मैं चार्ज करती हूँ, दे देती हूँ। सुनिए, आप देखो उनकी कंडीशन कैसी है, पहले कितने बोरान उन्होंने। आपका नाम भाजी? आपका नाम? परमिदा। परमिदा भाजी, मिनिमम क्या खर्चाएंगा भाजी? बोली ना, मैं रात में अंदाजा मेरे को बोल दो, मैं देने आना पैसे भाजी। अंदाजा है अंदाजा एक बोल दिया तो मालूम होता ना भाजी। आप कहाँ से, एग्जैक्टली कहाँ से कर रहे जी? हेलो, मेहंदीपट्टनम। मेहंदीपट्टनम, मेहंदीपट्टनम जी। आप भाई नहीं से हमारे, वो मैं पैसे देने वाला ही तो मैं। सुनिए, आप एक मिनिमम पैसे बोले तो मालूम होता ना। बोली ना रात में बहन को मैं, 23,000 रुपए बोले बोलते बोल रहे थे। हाँ, तो कुछ कम करिए ना बाजी, आप असरा थे जीने बोल रहे। आप 100% हो जाता बाजी, वो काम कितने दिन में हो? उतारे सुतारे सब करने के बाद हटाना पड़ता ना, उन्होंने हटाए बाद में। ठीक है, 8-10 दिन में हो जाता बाजी? उतना इमीडिएट बोले तो कोशिश भी नहीं होते, बहुत थोड़ा टाइम लगता। तो मिनिमम एक टाइम मेरे को मालूम होना भाजी, मैं पैसे खर्चा हूँ 15-20 दिन, 1 महीना 15-20 दिन में थोड़ा आधा होगा, आधा तो भी रिकवर हुआ उन्होंने बोले तो थोड़ा ठीक होता है। अच्छा, असरात लपट गए समझो उनको 5 दिन। अब आप लोगों को क्या मालूम हो रहा है उनको देख के? वैसे दिख रहा भाजी, परेशान है दुनिया का। सुनिए, आप 100% अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस देते भाजी फिर? हाँ दे देती। क्या बोले? हाँ ठीक है, देखिए आप जरा करिए, दुआ लगती है अपने इस्लाम में है भाजी, कराना करना है, क्या कुछ गुनाह तो नहीं लगता? गुनाह की बात क्या है, अभी चीजें है वैसी बोरानी में, उसमें होके जी, जैसे मैं वो नहीं होते जगह में ना भाजी। आपका मकान राइसी होटल में? हाँ। देखो भाजी, परेशान है, पैसों का एडजस्ट करता हूँ, 15,000 ले लो ना भाजी, बाकी के थोड़े थोड़े करके देता हूँ। नहीं जी बाबा, सामानों को उसको होना रहता, मेरे को क्या, मेरे खर्च के लिए बोल रही हूँ मैं, आप जो बोलती मैं लेके आके तो मैं फ्री में सारे कर दूँ, मेरे को पैसे भी नहीं होना है मेरे को जी। कल के दिन लेके भी फिर कल को कहीं को वो सब बात आश में सामान लिखे रहती हूँ, लेके आ करो करके देते जाती हूँ। सुनिए ना, वो मेरे लिए थोड़ी बहुत के भाई के लिए बोल के बोल रही हूँ मैं, 15,000 दे देता हूँ मैं, आप थोड़े थोड़े करके ले लो। बोलो क्या बोलते आप? ऐसा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सामान एक टाइम को लाने को आपको मालूम होता, आप एक ट्रिप का ले लेके मैं दूसरे ट्रिप का मंगा लेती हूँ। सामान क्या लगेगा बाजी? अब देख के बोलना पड़ता, मैं बैठे खुद बोलती हूँ, मैं अभी तो यहाँ बैठे खुद बोलते। इस्लाम में अपने है नहीं है बाजी, कराना करना है, आप 23 दे दो, 24 दो बोल रहे आप बाजी। हाँ जी बाबा, तो सामान को तो होना ही ना, सामान को बोले तो अपने इस्लाम में है ये कराना करना, आप भी सुनेगा, इसका दूसरा दिन है, पैसा लोगों के साथ निकलते बाजी, फ्री करना, आप लोगों से पैसे लेते हैं 27,000 जहाँ भी गुनेगार, अल्लाह का भी गुनेगार है, अब उनके आंख है वैसे चीज़ ना, तो अल्लाह का गुनेगार है ना भाजी, अल्लाह है देखने वाले, हम कुछ भी नहीं, हम पैसे करते बोल रहे, हम गुनेगार लोगों को झूठ बोल के पैसे खा रहे आप 27,000 एक औरत कैसे देंगी बेचारी, उम्मीद लेके आई आप 27,000 रुपये छुट्टी बोल दी आपको, यहाँ भी गुनेगार अल्लाह का नहीं, आता खर्चा बोल के बोले। हाँ भाई, आप भी गुनेगार, अल्लाह का भी गुनेगार, आप दोजख में जलेंगे। गुनेगार कुछ भी नहीं है बाबा, काम कर रहे हैं आप, सुनिए आप, आपको अल्लाह का नहीं पूछनी है, दोजख की आग में जलेंगे, देखो आप इसका दूसरा दिन है, आप धंधा बना लीजिए आप लोग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अलीमुद्दीन साहब बात कर रहे हैं जी? हाँ बोलिए। मैं भट्टापल्ली से बात कर रही हूँ।
जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम रूहिना है। जी बोलिए मैम। मैं वट्टापल्ली से बात कर रही हूँ, हमारे बहन रहती है लंगर उस साइड में। जी। तो कल शाम में हमारे भाई की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने क्या करे, यहाँ झिर्रे पे पेट्रोल पंप का नहीं, एलसी का नहीं, एक फहमिदा बोल के रहते लेडीज, उन्होंने इलाजा हुए करते, तो उनका नहीं गए, तो उन्होंने बोले कहते असरात हो गए, इनको इलाज कराना जरूरी है बोल के 23,000 रूपए मंगे उन्होंने। अच्छा, 23,000 पूछे? हाँ, 23,000 पूछे। तब बहन मेरे को बोले पैसे होना, बोले तो मैं कह के वास्ते होना, बोले तो नहीं ऐसी की बात ऐसी है जी। बोले तो ठीक है, मैं नंबर दियो बात करती हूँ बोल के बोली मैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा लूटना रमजान का, अल्लाह रे बोल के कल तो खत्म हुआ रमजान, अब लेडीज रह के इलाज करते वो करते बोल के गुमराह कर दे के इस्लाम में से हटा दे रहे पब्लिक को, और कानून क्या कर रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, कानून ऐसे लोगों को पकड़ लेना ना, ऐसे लोगों के लिए भी सजा बनाना, ऐसे लोगों के लिए सही बात हो रही है। हाँ, गरीब लोगों की 2 महीने की सैलरी है 23,000। जी हाँ। हाँ, अब ऐसा लूट लेते रहेंगे लेडीज, असरात हुए वो हुए ये हुए बोले तो कहाँ से लाके देंगी पब्लिक। सही बात है। पहले रोजगार से परेशान है पब्लिक। जी हाँ। फिर अब ये हो गया वो हो गया बोले तो अब लेडीज को लेडीज फोन करके गुमराह कर रहे, तो कैसा होगा? लेडीज इतने होशियार है तो जेंट्स कितने होशियार नहीं होंगे। वो लेडीज आजकल क्या कर रहे है, और एक बाबाओं का जैसा देख रहे हैं ना, लोगों में बैठ के क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जाके दरगाहों में जी पब्लिक ज्यादा है बोल के गुमराह करके हर कोई, जैसा बाबाया बढ़ गया ना गली गली, औरतें भी बढ़ गई होटल कने, जिला राजसी होटल जर्रे कने हजारों औरतें है, उनका नंबर मेरे को व्हाट्सएप पे फहमिदा का दे दीजिए, उनसे बात करके आपकी रिकॉर्डिंग उनकी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, मगर ऐसे लोगों में मत आइए आप, सिर्फ लोगों को ऐसे बोलते जाना है तो दरगाह से दुआ करो अल्लाह का ने गिड़गड़ा हर चीज सही होती, ऐसे लोगों के पीछे डाल के असरात है सही है। ये है कंडीशन खराब है बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हो। आज आज ईद का दूसरा दिन ही है, कितनी शर्म की बात है, मुसलमान है ईमान खत्म कर दे रहे ऐसे लोग। हाँ, ऐसे लोगों को सजा तो होना ही होना। जी हाँ, ठीक है, मैं अभी व्हाट्सएप कर रही हूँ आपको नंबर, नंबर भेज दीजिए आप इंशाल्लाह। आपका नाम क्या बोले? जी मेरा नाम रूहिना है। वो फहमिदा का नंबर भेज दो, मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ आपकी उनकी। ठीक है, लोगों से बच के रहिए आप लोग, ऐसे लोगों से बच के रहिए, आपके खानदान में कबीले में दोस्तों में सबको बोल दो ये जादूगरों से बच के रहिए, उतारा कर लेना, ये बहुत बड़े फ्रॉड है, खाली धंधा खोल के बैठे लोग। अल्लाह का ने आखिरत खराब है लोगों की। सही, बेशक बेशक। तो नहीं आप अल्लाह से दुआ मांगो, कुरान शरीफ पढ़ो, अल्लाह देने वाला है। तो नहीं आप, मैं ले लेता हूँ हाथ पे, आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर भेज दीजिए। जी अभी भेज। ठीक है, अल्लाह ठीक है, अल्लाह।